हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटेप। कैसे हैं? उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सीटेट का पेपर आप लोगों का क्लियर हो चुका है, काफ़ी स्टूडेंट्स का, बहुत स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है, ठीक है, बहुत बहुत बधाई। लेकिन अभी आगे भी पढ़ना ही है हमने, सीटेट क्लियर करके ही भला नहीं होगा। तो इसीलिए अब हम लोग क्या कर रहे थे, KVS के लिए रीजनिंग। अब KVS है या DSSS भी है, जिस भी आपके एग्जाम में रीजनिंग आएगी तो ये टॉपिक जरूर आएंगे, ठीक है। रीजनिंग में हमने स्टार्ट किया था नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, जिसमें ये पूरा चैप्टर का नाम होता है सीरीज, जिसमें नंबर सीरीज में आप लोगों को करा चुका था। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया, काफ़ी लाइक भी किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। सभी को सारी चीज़ें समझ में आई। सीरीज उतना भी आसान टॉपिक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा घूम जाते हैं, लेकिन मैंने एक एक चीज़ बहुत क्लियर करके आप लोगों को बताई थी। आज हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, अल्फाबेट सीरीज। जैसे आप लोग देख पा रहे हो, अल्फाबेट सीरीज। तो आज क्या है कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, आज सिर्फ अल्फाबेट की नंबरिंग आपको याद कराऊंगा। अल्फाबेट की नंबरिंग किस तरीके से, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, बस आप लोग देखते रहिए, ठीक है। ध्यान से देखनी है सारी चीजें, इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। किसी का व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है, रिप्लाई नहीं करना है। फेसबुक पर आ रहा है, रिप्लाई नहीं करना है, या मैसेंजर पर। बात समझ में आई ना, ठीक है। जब तक ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं तो आपको किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे कि जल्दी से सीटेट का कोर्स लॉन्च कर दीजिए, केवीएस के लिए भी बहुत कॉल्स आ रही है, तो केवीएस का हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो कोर्स हम सीटेट का लॉन्च कर दिया हमने, नया कोर्स जो है पेपर वन का फुल वीडियो कोर्स है, पेपर टू का मैथ साइंस कॉम्बिनेशन है या सोशल स्टडी कॉम्बिनेशन है किसी भी स्टूडेंट का, तो फुल वीडियो कोर्स उन्हें मिल जाएगा। पेपर वन प्लस पेपर टू, जो स्टूडेंट पेपर वन भी देना चाह रहे हैं, पेपर टू भी देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी फुल वीडियो कोर्स है। और सिर्फ वीडियोज ही नहीं है, साथ में मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और बहुत वाइड कोर्स है, मतलब हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया है हर एक वीडियो में, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर बात करें केवीएस की, तो हमें उम्मीद है कि 5 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में हम लोग कोर्स लॉन्च कर देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि 5 अगस्त को ही लॉन्च कर दें, वरना 6, 7, 8 में से किसी भी एक डेट को, ठीक है, केवीएस का कोर्स लॉन्च हो सकता है। रात दिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो काफ़ी बन भी गया है, लगभग बन के तैयार है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करें, यूपी टेट के लिए भी बहुत कॉल्स आ रही है, यूपी टेट का भी पेपर आने वाला है, उसके लिए बहुत कॉल्स आ रही है कि यूपी टेट का कोर्स बना दीजिए, यूपी टेट का। तो उस पर भी हमने काम स्टार्ट कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं, ठीक है, मैं पूरा विश्वास तो नहीं दिला रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा उम्मीद है खुद पे कि हम लोग यूपी टेट का भी बहुत जल्दी कोर्स लॉन्च कर देंगे, बहुत प्यारा कोर्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए, कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है कि एक 10 दिन में बन गया, 15 दिन में बन गया और हमने आपको दे दिया, तो वो क्या होगा कि फिर क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। हम लोग क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ये आपको पता है। भले ही हम कोर्स लॉन्च नहीं करेंगे, जैसे हमने NVS का नहीं किया, लेकिन क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि हम लोग KVS पे लगे हुए थे, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट, आपको पता ही है कि क्या क्या करना है आपने, तो सबसे पहले तो लाइक कर देना है, बाद में देखने के बाद में अगर आप लाइक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा लाइक करने लायक है या नहीं है, ठीक है। कमेंट्स जरूर करें, देखो कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, थोड़े और ज़्यादा कमेंट्स करें, ठीक है। मैं रिप्लाई भी करता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं रिप्लाई भी करता हूँ जिनकी क्वेरीज होती है, ठीक है। चलिए कुछ लिखते हैं कि थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाया, तो उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतनी तारीफ़ करते हैं, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई नया स्टूडेंट जुड़ रहा है, कोई पहली बार वीडियोज़ देख रहा है, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ठीक है, जो मतलब मान लो पढ़ नहीं पा रहे हैं या कहीं दूर है, तो जिन्हें नहीं पता है एडुटेप के बारे में, ठीक है। वैसे तो 130,000 लोगों को लगभग पता चल चुका है आप लोगों की वजह से ही, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों की वजह से ही जल्दी से जल्दी 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख, ऐसे ही सब सारे लोगों को पता चल जाए और सबका भला हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कॉल कर सकते हैं 8146207241 पे। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि कॉल मतलब वेटिंग चलती रहती है, तो स्टूडेंट्स इतनी कॉल्स आती है दिन में, कभी यूपी टेट के लिए, केवीएस के लिए, सी टेट के लिए, तो हम लोग आप लोगों के लिए ही लगे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने जानबूझ के रिसीव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो कॉल वेटिंग पे होती है, ठीक है, कॉल चल रही होती है। तो अगर एक बार में आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है,
तो दूसरी बार ट्राई कर ले या तीसरी बार भी ट्राई कर ले, लेकिन ये गारंटी है कि आपकी जो भी क्वेरी होगी वो पक्का रिजोल्व की जाएगी, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, किसी फैकल्टी से भी बात करनी है तो फैकल्टी, एकमात्र एडुटैप ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है ऑनलाइन जो आपकी डायरेक्ट फैकल्टी से भी बात कराते हैं। अगर आपके दिल में कोई, ठीक है, डाउट है, संशय है किसी भी चीज़ को लेकर, तो डायरेक्ट फैकल्टी से बात कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अल्फ़ाबेट सीरीज़ की। और अल्फ़ाबेट सीरीज़ में जैसे कि मैंने बताया कि आज मैं सिर्फ आपको नंबरिंग याद कराने वाला हूँ। ये नंबरिंग का खेल क्या है मैं बताऊंगा, और एल जो सीरीज है टोटल, अगर मैं बात करूं सीरीज की स्टूडेंट्स, ठीक है, सीरीज में नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। आप केवीएस का एग्जाम देने के लिए जाइए, आप पीआरटी का देने के लिए जाइए, आप टीजीटी दीजिए, आप पीजीटी दीजिए, आज आप वाइस प्रिंसिपल दीजिए या प्रिंसिपल दीजिए, यहां सिर्फ क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं और रीजनिंग का अगर आप सेक्शन देखें तो कई बार सीरीज से 8 से लेकर 10-10 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूं टीजीटी की 40 नंबर की रीजनिंग, तो 40 में से 8 से 10 सीरीज के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जो चीज मैं अभी बताने वाला हूं ये आपको कहां पे काम आएगी, जब हम लोग पढ़ेंगे एनालॉगी अल्फाबेट। एनालॉगी पढ़ना है हमने, दो तरह की एनालॉगी होती है। मैंने चैप्टर को बहुत डिवाइड करके पढ़ाया है, पूरा एक एनालॉगी है, लेकिन मैंने एनालॉगी के अंदर भी डिवाइड की है चीजें। नंबर एनालॉगी अलग कराया है, अल्फाबेट एनालॉगी अलग कराया है, डायग्राम एनालॉगी अलग कराया है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह सारी चीजें कराऊंगा, तो सारी चीजें वहां पर भी काम आएगी। उम्मीद है आप लोग बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। छोड़ देना है सब कुछ, इधर उधर की बातें अभी नहीं सुननी है, पेन कॉपी उठा लीजिए, प्यारे प्यारे नोट्स बनाइए और जल्दी जल्दी से बातों को समझिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आज, पहले बता चुका हूं, क्वेश्चन अगली वीडियो में कराऊंगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं चीजों को। प्लीज स्टूडेंट्स फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, अल्फाबेट सीरीज। तो अल्फाबेट सीरीज हम लोग करने वाले हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट यहां पर नाम आया किसका, अल्फाबेट का। अब आपको पता है अल्फाबेट क्या होता है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ABCD ABCD इस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जो अल्फाबेट होगा वो A से लेकर कहां तक होता है, जेड तक, बात समझ में। दूसरा कितने होते हैं, आपको पता है कि 26 अल्फाबेट होते हैं, कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, क्लियर है ये बात आपको, इतना तो बताइए। अब स्टूडेंट यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि आपने नंबरिंग याद करनी है भाई, ए से लेकर जेड तक कितने हुए, 26 हुए। अब हमें ये देखना है कि इनकी नंबरिंग क्या है, नंबरिंग क्या है वो ध्यान से सुनो। यहां पे देखो एक कहानी सुनो, आप मान लीजिए किसी के घर गए, ठीक है, या आपके घर पे कोई गेस्ट आया, हम मान लेते हैं आपके घर पे कोई गेस्ट आया और आपके घर में एक छोटा बच्चा है जो LKG या UKG में है, तो जैसे ही वो थोड़ा घुलेगा मिलेगा, ठीक है, उस गेस्ट के साथ, तो आप क्या कहेंगे बच्चे से कि बेटा आप इन्हें क्या सुना दीजिए, ABCD सुना दीजिए, या आप इन्हें 1 2 3 4 सुना दीजिए, ऐसा होता है या नहीं होता है? मतलब या तो आप कहेंगे उन्हें कि आप ABCD सुना दीजिए, ठीक है, या आप कहेंगे कि आप इन्हें 1 2 3 4 सुना दीजिए, इतना ही तो बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, बात क्लियर है ना। मतलब ये जो इधर की तरफ लिखा हुआ है ये तो क्या लिखे हुए हैं, अल्फाबेट्स, बात समझ में आई या नहीं आई, ये क्या लिखे हुए हैं, अल्फाबेट्स, और ये इनकी क्या है इधर, नंबरिंग। ये क्या है भाई, नंबरिंग। नंबरिंग मतलब किस तरीके से, वो सुनो यहां पे, मतलब एक ही नंबरिंग क्या है, 1। ए हमेशा पहले नंबर पे आता है, नहीं आता है, शुरुआती ए से होती है। बी की नंबरिंग क्या हो जाएगी, 2। सी की नंबरिंग क्या हो जाएगी, 3। और डी की नंबरिंग क्या हो जाएगी, 4। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, जैसे मैं बोलता हूं ना कि 20 तक स्क्वायर याद करो, तो ये तो भाई कंपलसरी है, ए से लेकर डी तक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे याद करना है कि बच्चे को बोलेंगे ABCD सुनाओ या 1 2 3 4 सुनाओ, ठीक है। अगर सी की बात करेंगे, अब यहां पे देखो, अब आप ऐसे याद करो, सी कौन से नंबर पे आएगा, 3रे नंबर पे, डी कौन से नंबर पे आएगा, 4थे नंबर पे, ए कौन से नंबर पे आएगा, 1ले नंबर पे, बी कौन से नंबर पे आएगा, 2रे नंबर पे, बात समझ में है या नहीं है? मतलब आपको ऐसे भी याद होना चाहिए, DCBA, तो DCBA मतलब 4 3 2 1, बात समझ में है या नहीं है? अभी मैं आपको सारे याद करा दूंगा, आप देखना, बस आप समझते हुए चलो कहानी। तो इस तरीके से नंबरिंग होती है भाई, इधर अल्फाबेट है। तो जैसे अभी बात की कि भाई ए जो है वो किस पे आता है, फर्स्ट पे आता है, तो जेड सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट है, तो कौन से नंबर पे आएगा, 26 नंबर पे आएगा, क्योंकि टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं, बात समझ में।
क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, चीजों को और अच्छे से समझते हैं। ये तो बस ये बताना था कि अल्फाबेट क्या है और नंबरिंग क्या है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इतना याद रखना, इन नंबरिंग को बिना याद किए हुए क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आपको ये नंबरिंग याद नहीं है तो। क्लियर, इतनी बात समझ में आती है। चलिए स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि भाई ए बी सी और डी, ठीक है, और तीन और हम लिख लेते हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है। पहले चार लिख लिए, बाद के तीन लिख लिए, ए बी सी डी, और फिर क्या लिख लिया, एक्स वाई जेड, इतना तो कर सकते हैं। अब यहां पे सुनो, आप इसे नंबरिंग देंगे वन, इसे नंबरिंग देंगे टू, थ्री, फोर, ये नंबरिंग कितनी है 26, इससे पहले क्या होगी 25, और इससे पहले क्या होगी 24। तो आपको ये तो उंगलियों पे अभी याद हो गया, ए बी सी डी 1 2 3 4, एक्स वाई जेड 24 25 26, वाई किस पे आएगा 25th पे आएगा, एक्स किस पे आएगा 24th पे आएगा, और जेड किस पे आएगा 26th पे आएगा। तो ये तो आपको याद हो ही गए, परेशान ये परेशान नहीं करते हैं आपको, ये तो आपको पता ही है। परेशान करती है बीच वाली वैल्यू, एस कौन से नंबर पे आएगा, आर कौन से नंबर पे आएगा, एन कौन से नंबर पे आएगा, करती है नहीं करती है, अब नहीं करेगी। आप सुनो, इधर ध्यान से देख रहे हैं भाई, इतना तो आपने याद कर लिया। अब इसके बाद आया ई, इसके बाद क्या आया ई। अब ई कैसे याद होगा, बहुत सारे तरीके बताने वाला हूं, रट जाएगा गारंटी है। ई से आप याद कर लो इवनिंग, क्या याद कर लो इवनिंग, शाम। और एक बार बताओ शाम कब होती है, 5 बजे, शाम को 5 बजे को ही हम इवनिंग बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब ई कौन से नंबर पे आएगा 5th, ई की नंबरिंग क्या होगी 5th। क्लियर हो गई बात आपको, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात आती है एफ की, इसके बाद बात किसकी आएगी, एफ की। अब एफ से मैं कहता हूं कि भाई एफ से बना फिक्स, एफ से क्या बना फिक्स, किसी चीज को फिक्स कर दो, मतलब ये एक ऐसा वर्ड है फिक्स जो डेली आप एक बार तो बोल ही देते होंगे, इसे यहां फिक्स कर दे, इसे यहां फिक्स कर दे, कहीं मैं फिक्स हो जाऊं मतलब मेरी जॉब लग जाए तो मामला बन जाएगा। तो फिक्स से मिलता जुलता क्या बनता है भाई, बिल्कुल सही बात आई है दिमाग में, सिक्स। तो एफ किस पे आएगा 6 पे, फिक्स से मिलता जुलता क्या बना 6। क्लियर है या नहीं है, चलिए इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, जी, ऐसे लिखते हैं आप लोग जी, ऐसे लिखते हैं नहीं लिखते हैं, अगर जी आप ऐसे लिख रहे हैं तो आप जी का सिर्फ ये वाला सेक्शन देखिए, जी का सिर्फ ये वाला हिस्सा देखिए, ये आपको क्या लग रहा है, ये जो अंदर लिखा हुआ है ये आपको 7 सा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो जी कौन से नंबर पे आएगा 7 पे, मतलब जी एक ऐसा अल्फाबेट है जिसकी नंबरिंग उसी के अंदर छिपी होती है, तो जी किस पे आता है 7 पे। क्लियर बात, चलिए वेरी गुड। अब बात आएगी एच की, अब बात आएगी एच की, ठीक है, ये एच है भाई। अब एक बात बताओ, अगर एच को मैं डिजिटल लिखूं, भाई ये एच है यहां पे आप देखना, ठीक है, मैंने एक डंडा यहां पे ऐसे खींच दिया, एक डंडा यहां पे ऐसे खींच दिया, एक डंडा ऐसे मतलब एक ऊपर और एक नीचे, अगर इसे मैं देखूं, ठीक है, तो ये क्या बना 8 का डिजिटल नंबर, किसका 8 का, भाई ये 8 दिखाई दे रहा है, अगर डिजिटल लिखते हैं तो 8 ऐसे ही लिखा दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, तो ये यहां पे नंबरिंग आ गई मेरी 8। मतलब जी और एच ऐसे अल्फाबेट है जिनकी नंबरिंग उसी के अंदर छिपी हुई है। आप देखो 7 यहां पे, 8 यहां पे, रट गया, यहां तक याद हो गया, ए से लेकर एच तक याद हो गया, ठीक है, रिपीट कराता हूं, ए बी सी डी 1 2 3 4, इसके बाद ई इवनिंग 5 बजे, एफ फिक्स से मिलता जुलता 6, 6, फिर आया जी, जी के अंदर क्या छिपा हुआ है उसकी नंबरिंग 7, एच अगर 8 को डिजिटल लिखेंगे तो एच जैसा बनेगा कुछ कुछ, तो इसका मतलब एच पे क्या आया 8। अब बात आती है आई की, अभी याद हो जाएंगे, बस सुनते चलो, देखो ठीक है, एक दो हो सकता है कि जिसकी कहानी ना बन पाई हो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सबका कुछ ना कुछ तोड़ जोड़ के आपको मैं याद कराई दूं। आई, अब आई, अब मान लीजिए क्या हुआ कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, या मैंने आपसे पूछा क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है या नहीं पता है, और आपकी इंग्लिश अच्छी है,
आप कहेंगे आई नो, क्या कहेंगे आई नो, तो आप ऐसे ही तो लिखते हैं कि आई नो। बताओ समझ में आई बात या नहीं है कि मैं जानता हूं। तो अगर मैं इसकी स्पेलिंग छोड़ दूं, ठीक है, तो मुझे अगर मैं थोड़ा सा हिंदी की तरफ आ जाऊं, आई नो, नो मतलब नाइन, बात समझ में ही, तो आई हमेशा किस पे आएगा, नाइन पे। तो आई कैसे याद करना है, आई नो। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर हुआ या कोई डाउट है। चलिए अब इसके बाद क्या आएगा, जे के, जे एंड के, ये तो आया ना, दोनों एक साथ क्यों लिखे, इसका रीजन है, देखो अगर कोई भी स्टेट है, किसी स्टेट का आप नाम ध्यान में लाओ तो आपको मतलब क्या होगा कि कोई एक इमेज आपके सामने बन जाएगी, ठीक है, बन जाएगी, मतलब जैसे हरियाणा, आपके दिमाग में क्या इमेज बनेगी, गोल्ड मेडल, ठीक है, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, गोल्ड मेडल, कबड्डी हो, कुश्ती हो, ठीक है, लड़ाई मारदाड़ हो, आपको याद आएगा, ठीक है, हरियाणा। आपको मैं कहूँ यूपी, मैं भी यूपी से हूँ, तो क्या कहेंगे, ओहो बहुत गुंडागर्दी है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ। तो इस तरीके से किसी स्टेट का अगर आप नाम ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आएगा। जैसे आप कहेंगे पंजाब, पंजाब का नाम लेते ही आपको याद आएगा कनाडा, ठीक है, या फॉरन, ठीक है, बहुत लोग जाते हैं बाहर। अब जैसे ही आपके सामने नाम लिया जे एंड के का, जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, आप कहेंगे गोलाबारी बज रही है वहां पे, तो ठीक है, जे एंड के, देखो जो कहीं का है, किसी भी स्टेट का है, बुरा नहीं मानना प्लीज, ये सिर्फ याद कराने का तरीका है, जे एंड के, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, क्या आता है दिमाग में, ओहो हो गोलाबारी चल रही है भाई बहुत ज्यादा। तो जे एंड के की बात कब होगी, जब तक 10-11 गोलियां ना चल जाए जे एंड के की बात नहीं हो सकती, जब तक 10-11 गोलियां ना चल जाए, बात समझ में आई, तो आज के बाद नहीं बोलेंगे जे एंड के, 10-11, ठीक है, गोलियां चलनी चलनी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद एल, अब एल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एल किस तरीके से बताऊं, ठीक है, बस मुझे फिर एक छोटा सा तरीका याद आया, ठीक है, एल से मैं कहता हूं कि एल से बना लव, एल से क्या बना, लव, और आजकल 12 साल के बच्चे को प्यार हो जाता है, 12 साल के बच्चे को प्यार हो जाता है, बात समझ में आई ना, तो मैंने इस तरीके से याद किया, तो आप भी इस तरीके से याद कर सकते हैं कि L क्या आएगा, 12, जैसी L आया आपके दिमाग में तो आपके दिमाग में आना चाहिए लव, और आपका लव जो है वो 12 साल की एज से आजकल शुरू हो जाता है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन ये याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है, ये ऐसी चीज है कि आप कभी भूलोगे नहीं। अब बात आती है M, अब बात आती है M, ठीक है, M, अब मान लीजिए आप, देखो यहां पे फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा हूं मैं, मान लीजिए आप बात कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, ठीक है, मैं आज तक ऐसे कभी इंटरेस्टिंग बनाया ही नहीं है चीजों को, लेकिन आपको याद कराने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ा। आप अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे क्या चलता है, शॉर्ट फॉर्म चलती है सबकी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म चलती है। अब आपने उसे बोलना है कि मैं तेरा हूं, तो मैं आप कैसे लिखोगे, तो आप ऐसे लिखते हैं ज्यादातर लोग आजकल, मैं तेरा हूं, ऐसे ही तो लिखते हैं, बात समझ में, तो मैं जो है वो कौन है, तेरा, मैं कौन है, तेरा, तेरा मतलब तेहरा, तेहरा मतलब 13, तो अब आप नहीं भूलेंगे कि भाई मैं तेरा हूं, ठीक है। चलिए बात समझ में आई या नहीं आई, देखो इंटरेस्टिंग बना या नहीं बना, मैं तेरा हूं तो आप क्या है, 13 है, क्लियर। चलिए अब बात आती है एन की, अब बात आती है एन की, ठीक है, अब बात आती है एन की, अब यहां पे सुनो, देखो अगर मैं एन की, देखो अगर आपको ये याद नहीं है ना तो गारंटी क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगे, इसीलिए मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के आप लोगों के लिए ये सारी चीजें समझा भी रहा हूं। तो अब बात आती है एन की, ठीक है, इस तरीके से आप लिखते हो एन, बात समझ में आई ना, यही है। अब मैंने क्या किया, ये वाला हिस्सा अलग उठा लिया, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा यहां पे ऐसे आ गया, और ये जो डंडा था ये अलग से उठा लिया ऐसे, तो ये क्या बन गया भाई, 4 बना या नहीं बना, रोमन में अगर इस तरीके से लिखा जाए तो क्या बनेगा, 4 बनेगा, तो एन के अंदर छिपा हुआ है क्या, 4, लेकिन बात टेंस में चल चुकी है, 10 के बाद 11, 12, 13, तो क्या आ जाएगा, 14। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एन जो है आता 10 के बाद है और एन के अंदर होता है 4, तो इसीलिए एन क्या बना, 14,
बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आई ना। अब बात आती है दो नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी, उसमें मैं बाद में बताने वाला हूं कि उसके लिए भी क्या चीज मैंने बनाई है, बस अभी आप याद कर लो, ठीक है, अपने तरीके से। ओ पी, ठीक है, ओ पी 15 और 16, ठीक है, ओ पी 15 और 16 मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ये भी आपको याद हो जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। चलिए, ये याद हो गया आपको। अब बात आई क्यू की, अब बात आई क्यू की, ठीक है। अब क्यों को याद करने का तरीका मैंने कैसे बनाया? अब क्या हुआ कि जैसे मैं चंडीगढ़ में हूं, जैसे मैं कहां पे हूं, चंडीगढ़ में। अब आप सभी को पता होगा कि चंडीगढ़ सेक्टर वाइज डिवाइड हुआ है, सेक्टर वाइज, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4। अब जो चंडीगढ़ का सेक्टर 17 है, चंडीगढ़ का सेक्टर 17 है, उसमें बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है और बड़ी कॉस्टली भी है, बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत कॉस्टली भी है। बात समझ में? सबसे बड़ी मार्केट थी वो एक तरीके से इंडिया की। तो उसे क्या बोला जाता है, मार्केट को, चंडीगढ़ की क्वीन बोलते हैं। मैंने अपनी तरफ से नाम दिया कि जो 17 की मार्केट है वो बहुत फेमस मार्केट है और वो मार्केट चंडीगढ़ की क्वीन है। बात समझ में आई? तो चंडीगढ़ की क्वीन है कहां पे, सेक्टर 17 में, और क्यों से बना क्वीन, तो क्वीन पे क्या आ गया, 17। आप नहीं भूलेंगे कभी भी, ये मेरी वादा है आपसे, आप देख लेना चाहिए, जैसे ही आपके सामने आएगा 17, आप कहोगे चंडीगढ़ 17, मार्केट बहुत बड़ी है, क्वीन, ठीक है। चलिए, अब इसे हटा दूं, इतना तो पता चल गया ना। अब बात आती है आर की, अब बात आती है आर की। अब जैसे अगर आर की बात आई तो आर आपने ऐसे लिखा, तो मैं क्या करता हूं कि इसे नीचे से ऐसे मिला देता हूं, ऐसे, बात समझ में, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक तरीके से ए टाइप का बन गया, नहीं बन गया बताइए, ए टाइप का बन गया, नहीं बन गया। मतलब अगर आर को मैंने ऐसे मिला दिया तो ये क्या बन गया, 8। लेकिन फिर वही बात है, 10 के बाद आता है तो क्या हो जाएगा, 18, क्या हो जाएगा, 18। अब बात आती है एस की, अब बात आती है एस की। अब एस, आप स्टूडेंट है, ठीक है, आपके पास क्या है, पैसे कम है, ठीक है, सेक्टर 17 की मार्केट बहुत महंगी है, वहां हम नहीं जा सकते। तो चंडीगढ़ में एक और मार्केट है सेक्टर 19 सेक्टर की, जहां पे कम पैसों में आप ज्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। तो एस से बना शॉपिंग, ज्यादा शॉपिंग आपने करनी है, कौन से सेक्टर जाना पड़ेगा, सेक्टर 19 जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां की जो मार्केट है वहां पे आप कम पैसों में ज्यादा शॉपिंग कर सकते हैं, वो सस्ती मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है वो भी, लेकिन मार्केट थोड़ी सस्ती है, इसीलिए एस से आप शॉपिंग करेंगे और 19 नंबर पे पहुंच जाएंगे। बात समझ में? अब बात आती है टी की। अब आपको पता ही है आईपीएल चलता है, आईपीएल तो बहुत फेमस, आपने सुना है, तो क्या लिखा जाता है, ये तो बहुत आसान है, आपको पता है हमेशा क्या लिखा जाता है, T20 लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता, तो आपको याद हो गया T20, क्या याद हो गया आपको, T20, क्लियर है बात आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है, T20 भी याद हो गया आपको, वेरी गुड। अब लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अब बात आती है यू और वी की, किसकी बात आती है, यू और वी की, यू वी, आप क्रिकेट तो सभी देखते ही हैं, तो यूवी अगर मैंने नाम लिया तो क्या दिमाग में आएगा, यूवी युवराज सिंह, यूवी युवराज सिंह को ही बोलते थे। तो आपने याद रखना है कि युवराज सिंह ने 21.5 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया इंटरनेशनल, ठीक है, 21.5 साल की उम्र में यूवी ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, कब शुरू किया, 21.5 साल की उम्र में, एज में इंडियन टीम में वो आए, अंडर 19 की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है, 21.5 साल की उम्र में वो इंडियन टीम में आए, और 21.5 मतलब 21.5 किस किस के बीच में आता है, 21 और 22 के बीच में। तो यूवी याद हुआ, 21.5 साल की उम्र में खेलना शुरू किया, तो इसका मतलब U21 V22, यू और वी के बीच में आया, ठीक है, 21.5, बताओ समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर हो गई बात आपको। इसके बाद आपका एक ही बचा, क्या बचा, W, तो ये आप याद कर सकते हैं, 23, W क्या हुआ, 23, आप अपनी तरफ से बना सकते हैं इसे, बताओ समझ में आई बात या नहीं आई, ये सारा कुछ याद हुआ या नहीं हुआ,
मुझे उम्मीद है कि ये सारा कुछ याद हो गया आपको, ठीक है। एक बार और देखेंगे, मतलब इतना मजा आएगा अब आपको करके। एक बार और आप इस वीडियो को भी देखिए, अभी मैं अभी जा नहीं रहा हूं, अभी तो मैं आपको ये सारा कुछ रटवा के ही जाऊंगा, ऐसे मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। अब एक और बात आती है, ये थोड़ा पुराना सा हो गया है, इजोटी। क्या इजोटी? यहां से भी आपको सारी याद हो जाएगा, इजोटी, ठीक है। इजोटी का मतलब, ठीक है, पांच, दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस। इजोटी में क्या आ गया? पांच, दस, पंद्रह, पच्चीस, इजोटी। इसे तो याद कर सकते हैं, इजोटी। तो ई पांच, ओ की अगर बात करेंगे तो बीच में है पंद्रह, टी के बाद आता है, वाई पच्चीस, टी बीस, जे दस, जे एंड के दस और ग्यारह गोलियां चलेगी, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि पी और क्यू का तो बताया था क्वीन, सेक्टर सत्रह क्वीन मार्केट। तो जैसे पी जो है वो ओ के बाद आता है, इतना तो याद रहता है, ओपी सिंह, ओपी, ठीक है, अधिकतर नाम होते हैं ओपी राठौर, ठीक है, ओ के बाद पी, ओ पंद्रह पी सोलह, ओ पंद्रह पी सोलह, याद हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल। अभी मैं देखता हूं कि आपको कितना याद हुआ, अब मैं देखता हूं आपको कितना याद हुई ये चीजें, ठीक है। मजा आ रहा है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगा और आप कहोगे कि वाह मजा आ गया, ठीक है, यही कहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, आप देखना। अब मैंने अभी आपको बताया कि ए बी सी डी तो आप याद कर लेंगे, ए बी सी डी, ठीक है। चलिए अब बात आती है ई। अब आप थोड़ा मन में याद करिए, इवनिंग पांच बजे, एफ फिक्स क्या हो जाएगा, सिक्स, बात समझ में आई। जी इसके अंदर छिपा हुआ है यहां पे सेवन, सेवन। एच आपको पता है डिजिटल एट होता है, आई नो, आई नो। जे के या तो इजोटी से या दस ग्यारह गोलियां, बात समझ में आई या नहीं आई। एल लव, बारह साल की उम्र, ठीक है। एम मैं तेरा हूं, एन में फोर छिपा हुआ है तो फोर्टीन। इजोटी की हेल्प से ओ याद हुआ, फिफ्टीन। ओपी सिंह सिक्सटीन, पी कितना हो जाएगा, सिक्सटीन। क्वीन है कौन, सेक्टर सत्रह की मार्केट। आर में क्या छिपा हुआ है, एट, तो एटीन, बात समझ में आई। शॉपिंग सस्ती मार्केट से करनी है, उन्नीस, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। टी ट्वेंटी, बीस, ठीक है। यूवी साढ़े इक्कीस साल की उम्र में खेलना शुरू किया था तो इक्कीस और बाईस। डब्लू तेईस, ये याद कर लेना भाई। और फिर क्या बचा, एक्स वाई एंड जेड, तो x क्या है 24, y क्या है 25 और z क्या है 26। अब बताओ याद हुआ या नहीं हुआ, अब मुझे ये बताओ कि याद हुआ या नहीं हुआ, इतना बता दो बस। उम्मीद है याद हो गया होगा, अब तो याद हो गया होगा। अब देखो इसका इनवर्स भी बता सकता था अभी, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी आप इसे ही याद करो, इनवर्स में बाद में बताऊंगा। अब आपने क्या करना है भाई, अब आपका काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले देखो, थोड़ा सा लगेगा पागलपन ही, ठीक है, कैसे अभी बताऊंगा। अभी आपको ये रीजनिंग इसीलिए तो इंटरेस्टिंग है कि इसमें थोड़ा पागलपन की जरूरत भी है, ठीक। अब यहां पे सुनो ध्यान से, अब जैसे मैंने कहा कि भाई मेरा जो नाम है वो अंकुर है, और पूरा अगर लिखा जाए तो मेरा नाम अंकुर चौधरी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपना नाम ऐसे लिखना है, अपने भाई का, फादर का, सिस्टर का, मदर का, ठीक है, ग्रैंडफादर का, सबके, और नंबरिंग देके याद कर लेना है, ऐसे याद होगा। अब बात करें ए, क्या आया वन। एन की बात करें तो क्या छिपा हुआ था एन में, बताइए, फोर, बिल्कुल फोर्टीन। जे के दस ग्यारह गोलियां, यू वी इक्कीस, आर में आठ छिपा हुआ था, एटीन। बताओ समझ में आई बात या नहीं है, फटाफट याद हो गए, मैंने भी अभी याद कर लिए। सी की बात करें तो थ्री, एच की बात करें एट छिपा हुआ है, इजोटी
ओ आया कितना 15, फिर यू वी 21, फिर डी 4, एच में 8 छिपा हुआ है, ए 1, आर 18, वाई की बात करें 25। तो बताओ नंबरिंग याद हो गई या नहीं होगी बताइए। अगर यहां पे देखें क्या एडूटैप, क्या देखें एडूटैप, तो आप बताइए ई 4 इवनिंग 5, डी 4 यू वी, भाई बताओ 21 और 22 साल के बीच में है ना, यू वी युवराज सिंह ऐसे याद हुआ है, टी 20, ए आया 1, अगर पी की बात करेंगे तो ओपी सिंह, ओ के बाद पी आता है 15 के बाद, कितना आया 16। बताओ समझ में आई या नहीं। आपके सब फेवरेट सर का नाम लिख लीजिए या मैम का, चलिए फेवरेट सर का नाम लिखते हैं, अब कैपिटल में लिखेंगे तो और जल्दी याद होगा आपको, अंचित सर, ठीक है ये लीजिए अंचित सर, ऐसी है ना, बिल्कुल सही बात। ए 4 1, एन 4 14 क्योंकि 4 छिपा हुआ है, सी पे 3, एच पे 8, टी 20, ठीक है। एस शॉपिंग करनी है सस्ती मार्केट से 19, अगर आई की बात करें तो किस पे आएगा बताइए, आई नो, आई नो, ठीक है। आर में 8 छिपा हुआ है, 10 के बाद आता है 18, सारे याद हो गए या नहीं हो गए, चलिए बताइए। और देखिए सोनिया मैम, ठीक है सबके नाम बताने फटाफट। हाँ कई लोग सोच रहे हैं एक सर का नाम छूट गया, दानी सर का सबके लिख देंगे, भाई अभी लिखने ही वाला हूं बस, ठीक है। एस शॉपिंग करनी है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सोनिया मैम शॉपिंग करती है सेक्टर 19 सस्ती मार्केट, ऐसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे ही बस, ठीक है। ओ की बात करें तो 15, एन 14, आई नो, ए 1, एम की बात करें मैं 13, ए की बात करें 1, एम की बात करें मैं 13। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई। दानिश, दानिश सर है ना, चलिए जी दानिश सर, इस तरीके से बताइए फटाफट। हाँ बिल्कुल ऐसी फटाफट, ए बी सी डी से, डी आया 4, ए आया 1, एन आया 14, आई नो, एस की बात करें शॉपिंग सेक्टर 19, एच में 8, एस 19, आई नो, आर में 18, बताइए कुछ बचा। अच्छा ईशा मैम बच गए है ना, ये नहीं कहना कि जानबूझ के नहीं कराया भाई, देखो सबका ही नाम लिख दिया अब तो मैंने, ठीक है। चलिए जी अगर आई की बात करें तो आई नो, एस शॉपिंग करनी है 19 सेक्टर से, एच 8, ए 1, एम में 13, ए 1, एम में 13, ठीक है क्लियर है ना। बताइए सारे लिख दिए अभी आपके सामने, कुछ रहा क्या, मुझे नहीं लगता कुछ रहा होगा। अब मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी है तो लाइक करें और साथ में लाइक की नंबरिंग दे, ठीक है, साथ में लाइक की नंबरिंग दे दे, क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, आगे फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग चीजों के साथ, और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है ना, रीजनिंग की शुरुआत है, अभी हमने ज्यादा नहीं पढ़ा है, मैं कोशिश करूंगा कि काफी सारा आप लोगों को पढ़ाऊं। केवीएस का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, 5 से 10 अगस्त के बीच में तैयार रहिए। देखिए स्टूडेंट अभी मैं आपको बताता हूं, ऐसे सीटेट का जो कोर्स लिया था बच्चों ने पेपर से 15 दिन पहले 10 दिन पहले उन्होंने भी क्लियर किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं मार्क्स पे जरूर फर्क पड़ता है। जो पहले कोर्स ले लेते हैं पढ़ते हैं तो उनके मार्क्स जाहिर सी बात है अच्छे आएंगे, उन्हें टाइम भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, वो अपनी तैयारी अच्छे कर सकते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हैं। तो जिन्होंने पहले कोर्स लिया उनका 130, 125 इस तरीके से भी मार्क्स आए हैं, 107, 108, जिन्होंने 15 दिन पहले लिया क्लियर उनका भी हुआ 95, 93, 98 इस तरीके से मार्क्स आए, तो मार्क्स में फ़र्क रहेगा कहीं ना कहीं। तो मैं ये कहूँगा कि वेट नहीं करना है, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं चाहे वो 2 दिसंबर में कह रहे हैं कि आएगा, अभी पता नहीं आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं है, जो कह रहा है कि 100% आएगा झूठ बोल रहा है, अभी कन्फर्म नहीं है, जैसे ही कन्फर्म होगा हम आपको बताएंगे ज़रूर। अगर 2020 की सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से तैयारी करें, ठीक है, अभी से कोर्स लेके तैयारी शुरू करें, आपको टाइम बहुत मिलेगा, आपकी क्वेरी बहुत ज़्यादा
क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, ये नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा तब, ये तो पक्का है सीटेट आएगा ही आएगा। इस साल तो दिसंबर में नहीं आएगा तो अगले साल तो पक्का आएगा, 100% आएगा। फिर KVS की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं जिनका सीटेट क्लियर हो गया है, तो जैसे हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं तो ठीक है, ये मेरी एक एडवाइस है आप लोगों के लिए कि आप कोर्स लें और तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। बहुत अच्छा कोर्स बना रहे हैं, आप विश्वास रखिए, ठीक है। आपका विश्वास बना हुआ है हमारे ऊपर, हम आपका विश्वास ऐसे ही नहीं तोड़ेंगे। थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहिए।